स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो एग्जामिनेशन होता है प्रैक्टिकल वाला, तो वो पूरा प्रैक्टिकल किस प्रकार से हम 30 नंबर प्राप्त करें। स्टूडेंट्स, मैं सतीश यादव, यूट्यूब चैनल योगा मास्टर सतीश में आज आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिकल एजुकेशन का जो प्रैक्टिकल होता है, इसके अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट आ गया, उसके अंदर योगासन आ गया, वाइवा आ गया, तो मैं पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नीचे बेल आइकॉन देख रही है उसको ज़ोर से दबा दो, तोड़ दो और फेंक दो, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अब अपन स्टूडेंट्स आज प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताता हूँ। 60 मीटर रेस होती है, उसके बाद 600 मीटर रेस होती है, उसके बाद शटल रन होती है, स्टैंडिंग बोर्ड जंप होता है, उसके बाद में ओवरहेड बॉल थ्रो होती है, फिर उसके बाद में अपन करते हैं बॉयज़ का पुशअप्स, और गर्ल्स का करते हैं मॉडिफाई पुशअप्स जो होता है, या सीटअप्स कर लेते हैं, चॉइस होती है उसके अंदर, और बॉयज़ के लिए भी फिर पुलअप्स भी होता है। तो इन सभी का मैं आपको पूरा वीडियो बताऊँगा, और फिर योगासन का पूरा वीडियो बताऊँगा, वाइवा का पूरा वीडियो बताऊंगा, किस प्रकार से हम 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं वो मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन लेकर आए हैं आज ही कूदना है स्टैंडिंग बोर्ड जंप। इसके अंदर गर्ल्स का पहले दिखा रहा हूँ, फिर बॉयज़ का दिखाऊँगा। बोर्ड स्टैंडिंग जंप के अंदर क्या होता है कि एवरी स्टूडेंट्स को 3 चांस मिलते हैं, और जो इनके अंदर बेस्ट इनका परफॉर्मेंस होता है उसको हम काउंट करते हैं, वो हम डाटा इनका मेंशन करते हैं। और अब एक्सटर्नल यहाँ पर आया हुआ है प्रैक्टिकल, हमारे 12th क्लास का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो इसके अंदर सभी गर्ल्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मैं जो ये 2 मीटर का होता है स्टैंडिंग बोर्ड जंप गर्ल्स के लिए, उसको पूरा क्रॉस करूं, 2 मीटर का जंप मैं लगा पाऊं। आप देख रहे हैं कोई जंप लगा पा रहे हैं, कोई किसी का कम लग रहा है, किसी का ज़्यादा लग रहा है, कई गर्ल्स हैं जो लगभग 2 मीटर के लगभग भी कूद रही हैं। तो इस प्रकार से सभी गर्ल्स को मैंने 3 चांस दिए थे, 3 में से बेस्ट जो इनका था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे स्टैंडिंग जंप के अंदर 3 चांस मिलते हैं, फिर उसके बाद ओवरहेड बॉल थ्रो होती है, उसके अंदर 3 चांस मिलते हैं, लेकिन जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो हम काउंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं। तो अभी इनका प्रैक्टिकल के अंदर जो ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसके हिसाब से फिर इनको बाद में मार्क्स मिलेंगे। और ये हमारे अभी गर्ल्स जो कूद कर गई है, ये पूरा 2 मीटर कूदा है, इसने भी बहुत अच्छा जंप लगाया है। तो इस प्रकार से सभी गर्ल्स कोशिश कर रही हैं कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। देखो ये भी अच्छा कूदी है, अच्छा जंप लगाया है, तो सभी कोशिश कर रही हैं किस प्रकार से हम पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपना। तो स्टैंडिंग जंप के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा ओवरहेड बॉल थ्रो है जैसे, फिर 60 मीटर रन हो गया, ये देखो बॉयज़ पूरा 2.5 मीटर कूद रहे हैं, देखो एक एक बॉयज़ इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। हमारे गर्ल्स बॉयज़ बहुत ही अच्छी इनकी तैयारी होती है, ये देखो पूरा 2.5 कूद रहे हैं, ये देखो एक भी बॉयज़ ऐसा नहीं है, मैं छांट के लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छे, ये देखो ये देख रहे हैं पूरा 2.5, ये देखो। अब ये जैसे गर्ल्स आ गई तो ये इनको भी 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस के अंदर जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो हम काउंट करके वो इनका डाटा लिख देते हैं। तो सभी गर्ल्स को, सभी बॉयज़ को 3-3 चांस दिए गए हैं। गर्ल्स भी अपनी कोशिश कर रही है, बॉयज़ तो मोस्टली 16+ ही फेंकते हैं, क्योंकि वो पूरी साल जो है अपन प्रैक्टिस कराते हैं, पूरी साल में उनको प्रैक्टिस कराता हूँ, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 60 मीटर चाहे रेस हो गई उसके अंदर भी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे शटल रन हो गई, उसके बाद मैं आपको शटल रन भी दिखाऊंगा,
शटल रन के अंदर भी जो 10 मीटर की होती है उसके अंदर भी बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो सभी बॉयज गर्ल्स का मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे अभी इस बार प्रैक्टिकल हुए तो 4 बैच बने, 100 स्टूडेंट थे, 100 के अंदर 4 बैच बने, 2 दिन प्रैक्टिकल चलाए, तो मैं सभी का नहीं दिखा सकता। कुछ अंश मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल हम करते हैं आपकी फैसिलिटी के लिए, कि हम किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस करें, कौन कौन से इवेंट होते हैं। क्योंकि अक्सर मैं आपको बताऊं कि जो नए स्कूल होते हैं या कोई नए फिजिकल टीचर होते हैं, ये देखो बॉयज 16+ फेंक रहे हैं सारे बॉल को, बहुत ही गजब की प्रैक्टिस है इनकी। क्योंकि पूरी साल में प्रैक्टिस कराता हूँ, 1-2 पीरियड तो इनके मोस्टली ग्राउंड में आना ही है इनको, तो ये पूरी 16+ ही फेंक रहे हैं, तो सभी का तो मैं दिखा नहीं सकता। तो जैसा कि मैं बता रहा था, अब अपन आ गए दौड़ पर, जो 60 मीटर रन है उसमें गर्ल्स बॉयज सब अपना परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हैं, लाइन पर खड़े हैं कि अब हम किस प्रकार से, गर्ल्स बैठ गई हैं, अब इनको ऑन योर मार्क सेट और गो। गो नहीं है, मेरे हाथ में देखो क्लेपर है, क्लेपर बजेगा सेट के बाद में, क्लेपर के बाद में 1 सेकंड का डिफरेंस होता है, तो क्लेपर जैसे ही बजता है तो ये अपने पूरी जान लगाकर दौड़ते हैं और इसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। टाइमिंग के हिसाब से इसके अंदर होता है, जो बेस्ट टाइमिंग देता है उसके लगभग 9 सेकंड का टाइमिंग होता है, जो 9 सेकंड के अंदर बॉयज़ पहुँचता है, और गर्ल्स के लिए 12 सेकंड होता है, तो उनके अंदर जो पहुँचते हैं तो उनको फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये देखो हमारा फर्स्ट बैच गर्ल्स का आ रहा है, किस प्रकार से जैसे घोड़ा दौड़ता हुआ आता है ऐसे हमारी गर्ल्स दौड़ती है, क्योंकि पूरे साल प्रैक्टिस करती है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। जो एक्सटर्नल आता है वो भी वास्तव में हमारे, ये देखो ये सेकंड बैच है, किस प्रकार से दौड़ते हुए आ रहे, जो जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक्सटर्नल जो आता है वो एकदम यहाँ पर खुश होकर जाता है। हमारे स्टूडेंट्स फाइल भी बहुत ही शानदार बनाते हैं और उसको इतना डेकोरेट करते हैं कि जो अगला एक्सटर्नल आता है, ये देखो सेट और क्लेपर बजा और ये अब शटल रन हो गई शुरू। शटल रन के अंदर क्या है कि हमने बैटन रख रखे हैं अगली साइड में, दो आगे बैटन रखते हैं, एक बार आते हैं, एक बार एक बैटन को उठाकर अगली लाइन पे स्टार्ट लाइन पे रख देते हैं, फिर वापस दौड़ के आते हैं और बैटन को उठाकर और लाइन को फिर पूरा क्रॉस कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शटल रन होती है, इसमें 4 राउंड करने पड़ते हैं, 10x4 मीटर का ये, तो ये भी बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। इसका भी 9 सेकंड का टाइमिंग होता है, इसमें हम टाइमिंग मोबाइल से टाइमिंग लेते हैं, रेस के अंदर भी हम मोबाइल से टाइमिंग लेते हैं। अब ये देखो किस प्रकार से गर्ल्स जा रही है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रही है शटल रन के अंदर, कि मैं जल्दी पहुँचूँ, इसलिए इसके अंदर ये देखो अब ये बैटन उठाया उधर, अब ये बैटन स्टार्ट लाइन पर रख दिया, वापस आ रहे हैं गर्ल्स, अब ये बैटन उठाएंगे और ये पूरा स्पीड से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये शटल रन होती है, ये बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स, मेरा ये प्रैक्टिकल सभी का मिक्स चल रहा है इसके अंदर, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, किसी का सेपरेट नहीं है, जैसे जिसका रोल नंबर आता है उसके हिसाब से ये बैटन को लेकर जा रहे हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये बॉयज आ गए, अब देखो एक बैटन उठाया अगली लाइन पे रखेंगे, अब वापस आएंगे, देखो अगला बैटन उठाएंगे और फिर उसको ले जाकर सीधे लाइन से निकल जाएंगे और अपना टाइमिंग नोट कराएंगे वहाँ पर। अब अपने शुरू हो गया है गर्ल्स का मॉडिफाई पुशअप्स। तो मॉडिफाई पुशअप्स के अंदर क्या करते हैं, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 मिनट का टाइमिंग देने के बाद में गर्ल्स मैक्सिमम जितना करते हैं, मैक्सिमम बॉयज हो गया चाहे गर्ल्स हो गई, फिर उनका नोट किया जाता है कि कौन सी गर्ल्स ने कितना किया है या बॉयज ने कितना किया है। मॉडिफाइड पुशअप्स जो है, नी बैंड करने के बाद में पीछे से हम पैर जो है उनको मिला लेते हैं और नी बैंड करने के बाद में फिर हम, देखो आपके सामने ये गर्ल्स बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने दे रही है, या इनको गर्ल्स को कह दो कि सिटअप्स कर सकते हैं, इनके चॉइस होती है, बॉयज के भी चॉइस होती है, पुशअप्स करो, सिटअप्स करो या पुलअप्स करो, सब में 1 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, उसके अंदर उनके फिर मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं वो काउंट किया जाता है, फिर उनका वो रिपोर्ट के अंदर डाटा लिखा जाता है, उसके अंदर फिर उसके हिसाब से इनको मार्क्स मिलते हैं। अभी ये गर्ल्स देखो सिटअप्स कर रही है, तो किस प्रकार से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है, देखो कितना अच्छे तरीके से
गर्ल्स जो है सिटअप्स कर रही है, तो मैं सभी का तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि तो मैंने पहले भी बताया कि 100 स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 40 गर्ल्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, तो सभी का तो मैं नहीं दिखा सकता, कुछ ही का मैं दिखा रहा हूँ। अगर सबका दिखाऊँगा तो 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा पूरा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो। और एक साइड में हमारे एक्शनल साहब बैठे हैं, आगे मैं एक्शनल का दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो फाइल चेक कर रहे हैं, किस प्रकार से वाइवा ले रहे हैं, तो पूरा मैं एक्शनल को आगे आपको दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल एक साइड में, क्योंकि ये देखो अभी आगे हमारे बॉयज ये सामने एक्शनल खड़े हैं, ये एक्शनल चेक कर रहे हैं, ये पुशअप्स कर रहे हैं बॉयज़, इनका पुशअप्स के काउंट कर रहे हैं एक्शनल, और घूम रहे हैं देख रहे हैं सामने आगे जो 20-25 बच्चों का जो बैच है वो सामने बैच बैठा है। अब ये जो लड़का सामने कर रहा है हमारे सत्यव्रत सिंह सांखला, इसने 110 पुशअप्स किए थे, तो ये क्योंकि ये पूरी साल की प्रैक्टिस है इनकी, पूरी साल प्रैक्टिस करते हैं। अब ये देखो ये सारे बॉयज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके अंदर ये काली टी शर्ट वाला है तनिष्क, ये भी पूरी साल की प्रैक्टिस होती है, ये भी इतना बेस्ट कर रहा है, एकदम पुशअप फिट सही तरीके से कर रहा है। इधर की साइड में अभी ये पुलअप्स पे आ गए, ये देखो 1 मिनट का टाइमिंग दिया गया है, तो अभी ये इनको पुलअप्स करने के लिए बोला गया है, तो ये जो जिनकी चॉइस है पुलअप्स कर रहे हैं। अब ये गर्ल्स आ गई, तो अब इनको योगासन के लिए बोला गया है, तो अपने जो बुक के अंदर योगासन दिए गए हैं जितनी भी डिजीज है उनके अंदर योगासन है, वो योगासन करने होते हैं। एक्सटर्नल होता है वो उनको बोलता है कि फलाने योगासन करो, वो नाम बोलता है, वो उनको योगासन परफॉर्मेंस करना पड़ता है। कम से कम एक स्टूडेंट के हिस्से 4 से 5 योगासन आ जाते हैं, और योगासन का मैंने पूरा वीडियो आपके लिए डाल रखा है, कहीं से भी कोई एक्सटर्नल बोल दे तो पूरे। अब ये देखो कितना पश्चिमोत्तानासन कितना शानदार तरीके से कर रहे हैं, चलो तो ये प्रैक्टिस करते हैं पूरे साल, इनकी प्रैक्टिस होती है, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे पाते हैं। पैर पीछे ले जाओ, अब ये इनको जो भी एक्सटर्नल पैर पीछे अभी हलासन के लिए बोला होगा तो ये हलासन कर रहे हैं, सर्वांगासन के लिए बोला होगा तो सर्वांगासन कर रहे हैं, कितने शानदार तरीके से ये आसन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बस मयूरासन, अब इनको जैसे जैसे बोला जाता है उसी हिसाब से अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अब शायद इनको धनुरासन के लिए बोला गया होगा तो ये धनुरासन करेंगे। तो और आसन तभी आप कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बगैर आप आसन नहीं कर सकते। अपना यदि हमें शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना है तो हमें आसन करने पड़ेंगे। अभी अब इनको अगला आसन के लिए बोला गया है तो ये अगला आसन कर रहे हैं, ठीक है। वृक्षासन के लिए बोला गया है तो ये वृक्षासन कर रहे हैं, धनुरासन का पोज इनका दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे बहुत ही मेहनती हैं, अब इनको अगला उसके लिए बोला गया है। अब ये हो गया यहाँ पर 600 मीटर रेस, ये हमारे ट्रैक है 200 मीटर का है, तो इसके 600 मीटर का है, तो ये 3 राउंड लगाएंगे हमारे, क्योंकि ये 400 मीटर का ट्रैक तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतनी तो जगह नहीं है, लेकिन हमारे 200 मीटर का ट्रैक है। और हमारे ये आपका ग्राउंड भी देख रहे हो, हमारे स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ये बच्चे प्रैक्टिकल के लिए अपने बैठे हैं कि हमारा अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए और कब हम अपना परफॉर्मेंस दें, तो ये अपने परफॉर्मेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कितने स्टूडेंट्स सामने आपके सामने बैठे हैं। अब इनका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, अब ये दूसरा राउंड देखो बच्चे काटने लग गए हैं, जो दौड़ने जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो आगे आ जाते हैं, जिनकी कम प्रैक्टिस होती है वो पीछे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी दौड़ने वाले भी नहीं होते हैं, सभी डल भी नहीं होते हैं, सभी मीडियम भी नहीं होते हैं, सभी फास्ट भी नहीं होते हैं, अनेक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। फिर इनका जो ये पूरा रेस होगी 600 मीटर की, तो उसके बाद फिर इनका टाइमिंग लिया जाएगा, टाइमिंग नोट किया जाएगा, उसके हिसाब से इनको फिर मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 600 मीटर की रेस को वही बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाता है जिसकी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 600 मीटर की तो आप 200 मीटर दौड़ के ही बैठ जाओगे, इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ सामने, आपको दिख रहा हूँ नीली टी शर्ट के अंदर, और मेरे पास में एक्शनल साहब खड़े हैं जो स्कूल से आए हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए हमारे स्कूल में। तो हम दोनों
मिलकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जो फिजिकल टीचर होते हैं सभी स्कूल के अंदर, वही पूरा फिजिकल जो प्रैक्टिकल होता है वो पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं। तो एक्सटर्नल जो आता है वो CBSE भेजती है किसी भी PTI को। अब जैसे मेरे थे, मैं 3 स्कूल में लेने गया था इस बार, तो 3 स्कूल का मैं लेकर आया, तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी मैं गया तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स की बहुत ही अच्छी तैयारी थी, उन्होंने भी बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो होता है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ये अफर टेस्ट होता है ये होता है, फिर उसके बाद फाइल होती है, 5 मार्क्स की फाइल होती है, फिर योगासन 7 नंबर के योगासन होते हैं, फिर गेम का हो गया, गेम का परफॉर्मेंस होता है अलग। जैसे अब ये देखो इनकी रेस पूरी हो चुकी है, अब ये पूरी रेस जिस हिसाब से पूरी हो रही है उसके हिसाब से इनकी हम लिखेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच दौड़ाएंगे। अब ये इनके वाइवा के लिए शुरू हो गया है, तो वाइवा के लिए बारी बारी से सभी को बुलाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार बॉयज़ को, गर्ल्स को मिक्स भी बुला लेते हैं, और उनसे जो फाइल के अंदर होता है, जो गेम से संबंधित होता है या जो भी फाइल में होता है, गेम है, योगासन है, योगा के लिए भी, योगा से भी हम कुछ पूछ सकते हैं, या बुक के अंदर पूछ सकते हैं, या टूर्नामेंट के बारे में पूछ सकते हैं, या कोई डिजीज हो गई है, मेरे पास में एक्सटर्नल साहब बैठे हैं, फाइल चेक कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए लेकर आया था पूरा वीडियो, तो यदि आप फाइल के अंदर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और इस प्रकार से आप करोगे तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। एक्सटर्नल थैंक्स, कुछ भी पूछ सकता है।